आज हम जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर में बात करेंगे। रिलेशनशिप का हमारे से संबंध कि अगर आप अपने आप से ओके नहीं हो तो आप किसी से ओके नहीं हो सकते हो। तो ये हमने देखा था कि साउथ वेस्ट का जोन को अगर हम नॉर्थ ईस्ट के जोन के साथ में कंबाइन करते हैं तो हमको पता चलता है कि अगर इन दोनों जोन में कोई इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस का मतलब समझते हैं, इम्बैलेंस का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर जोन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई यूटिलिटी या कोई एक्टिविटी वो परफॉर्म हो रही है जो इस जोन से मैच नहीं करती है, इस जोन के साथ में सिंक नहीं करती है, नंबर वन। नंबर टू, इन दोनों जोन्स की जो जोन स्ट्रेंथ है वो या तो कम है या ज्यादा है। ये दोनों चीजें मिला के हमको पता चलता है कि ये जोन इम्बैलेंस है। तो अगर ये दोनों जोन को हम संतुलित कर दें तो हमारा अपने आप के साथ में कनेक्शन हो जाता है, हम अपने आपे में आ जाते हैं। जैसे केवी सर ने कहा कि जिंदगी जो है वो पीड़ादायक तब होती है जब हम आपे से बाहर होते हैं। जब हम आपे में लौट आते हैं तो हमको पता चलता है कि हम हैं। और इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है? जो श्रीमद् भगवद गीता है, जिसको डॉक्टर खुशदीप बंसल सर ने, हमारे गुरु सखा ने सहेजा है, वहां पर जो पीछे की तरफ सारणियां दी हुई हैं, उनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आप कैसे हैं। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके गुण कैसे हैं, आप सत्व के हैं या रजस के हैं या तमस के हैं, जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप आपे में नहीं लौट पाएंगे, है ना? और अगर इन गुणों के अलावा आप कोई दूसरे गुणों पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको पीड़ा होगी। तो सबसे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट जोन को बैलेंस करना है, साउथ वेस्ट जोन को बैलेंस करना है, अपने गुणों को समझना है कि ये तीनों गुणों में से ऐसे कौन से गुण हैं जो हमको ड्राइव कर रहे हैं, और फिर उन्हीं से रिलेटेड हमको काम करना है। आज की विषय वस्तु यही है। मैं अपने रिलेशनशिप किनके साथ में कैसी होती है, इन 16 जोन की रिलेशनशिप का हमारे से क्या ताल्लुकात है। रिलेशनशिप का जोन है वो साउथ वेस्ट है। अब साउथ वेस्ट के साथ में हमने कंबाइन किया नॉर्थ ईस्ट को, ये हमारा सेल्फ और गॉड के साथ में रिलेशनशिप है। दूसरा जोन आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके अपने दोस्तों के साथ में संबंध ठीक नहीं है तो साउथ वेस्ट जोन के साथ में आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को भी देखेंगे। देखने का मतलब हमको ये देखना है कि वहाँ इम्बैलेंस क्या है। इम्बैलेंस का मैंने आपको तरीका बताया कि एक पर्टिकुलर जोन में एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट उस जोन के साथ मिलान कर रहे हैं, उस जोन का जो तत्व है क्या उससे मिलते जुलते हैं, उस जोन का जो गुणधर्म है क्या उन वस्तुओं का भी गुणधर्म वैसा ही है, क्या उन ऑब्जेक्ट्स के भाव ठीक वैसे ही हैं जो उस जोन का गुणधर्म है। तो हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जोन में AUO सही तरीके से रखे। बट अगर यहाँ पर AUO अगर गलत है, गलत का मतलब क्या है कि जो जोन है हमारा वो किसी न किसी तत्व से संबंधित है, वहां पर कोई ना कोई तत्व प्रधान है। अगर कोई तत्व उस तत्व के अगेंस्ट में है, जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट किसका तत्व है, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का कलर क्या है, येलो है। अगर वहां पर कोई एंटी एलिमेंट आ जाता है, जैसे हरा रंग आ गया या भूरा रंग आ गया, तो अगर ये तत्व वहां आ जाते हैं तो ये तत्व वहां पर आके अशुद्ध हो जाते हैं। पर कहने का मतलब आप समझ गए कि जो साउथ वेस्ट का जोन है वो पृथ्वी तत्व है, और वहां पर जो AUO आएगा वो पृथ्वी तत्व से मिलान करते हुए आएगा, यानी उन वस्तुओं के, उन ऑब्जेक्ट्स के और वहां पर जो एक्टिविटी हो रही होगी उसका मिलान साउथ वेस्ट के गुणधर्मों के साथ में होना आवश्यक है। उसको हम कहते हैं कि ये जोन बैलेंस है। अगर वहां पर जोन स्ट्रेंथ कम और ज्यादा होगी तो भी वो इम्बैलेंस हो जाएगा।
तो हम वहां क्या देखेंगे कि ये जोन बैलेंस होना जरूरी है। अगर बैलेंस है तो आप ये समझिए कि उस जोन के जो गुणधर्म है उसके उससे संबंधित जो अच्छे परिणाम है, जो अच्छे अनुभव है, वो आपके जीवन में महसूस होते हैं। और अगर ये असंतुलित है तो उन्हीं गुणधर्मों का आपके जीवन में पीड़ादायक संबंध से मिलान होता है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे और मैप करेंगे। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन किसका देख रहे हैं? फ्रेंड्स का है। अगर आपका अपने दोस्तों के साथ में सही रिश्ते नहीं है तो आप साउथ वेस्ट के साथ में ENVP देखेंगे। अगर आपका सोसाइटी में लोगों से अच्छा रिश्ता नहीं है, आप अच्छे से मिलान नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको गवर्नमेंट रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, तो साउथ वेस्ट के साथ में हम ईस्ट जोन को भी देखेंगे। अगर आपके संबंध आपके इन-लॉज के साथ में अच्छे नहीं हैं या फिर अनलॉफुल रिलेशनशिप है आपकी, तो आप समझिए कि साउथ वेस्ट के साथ में आपको ईस्ट साउथ ईस्ट जोन को देखने की भी आवश्यकता है। इसके बाद में हम देखेंगे साउथ ईस्ट का जोन। अगर साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट को कंबाइन करेंगे तो अगर असंतुलित है तो आपको कहाँ प्रॉब्लम होगी? डोमेस्टिक हेल्पर में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को समस्याएं आती हैं कि हमारे घर में मेड नहीं टिकती है या हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर है वो नहीं टिकते हैं। तो इसके लिए हमको साउथ वेस्ट के साथ में क्या देखना चाहिए? साउथ ईस्ट देखना चाहिए। तो ये साउथ ईस्ट का जोन डोमेस्टिक हेल्पर, क्लीनर, वॉशर इनके साथ में। साउथ वेस्ट का जोन आप अच्छी तरीके से समझते हैं, संबंधों का जोन है। कैसे संबंधों का जोन है? चूंकि ये पितृ स्थान भी इसी जोन में आता है तो ये पेरेंट से संबंधित है। यहां पर आपका जो स्पाउस है, जो आपका बेटर हाफ है, या तो पति है या पत्नी है, उस संबंध को भी ये जोन बताता है। जो आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं आपके, वो भी इस जोन से देखे जाते हैं। जो बच्चे हैं और बच्चों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो इस जोन को हम देखेंगे कि भाई ये जो वंश हमारा नहीं बढ़ रहा है तो ये वंश कौन बढ़ाएगा? ये साउथ वेस्ट का जोन बढ़ाएगा। कस्टमर और पार्टनर के साथ रिश्ते भी हमको इसी जोन से देखने पड़ते हैं। इसके बाद में वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन टेक्निकल और स्किल्ड एम्प्लॉय और स्टाफ के साथ में। अगर आपके स्टाफ के साथ में संबंध अच्छे नहीं है या टेक्निकल और स्किल्ड जो एम्प्लॉय हैं उनको लेके आपको समस्या आ रही है तो आपको साउथ वेस्ट के साथ में वेस्ट साउथ वेस्ट को भी देखना चाहिए। वेस्ट जो है वो टीचर, गुरु, फ्रेंड्स और सप्लायर का है। वेस्ट कौन सा जोन है? प्राप्तियों का है। तो प्राप्ति किससे मिलती है हमको? जो हमें सिखाते हैं, जो लोग हमको टीचिंग देते हैं, वो उनकी शिक्षाओं के हिसाब से अगर हम चलते हैं, उनके सुझाए हुए पथ पर अगर हमको चलते हैं तो हमें प्राप्ति होती है। इसी तरीके से सप्लायर भी हमको वेस्ट के जोन से देख लेने चाहिए। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या वर्क पार्टनर हैं वो नॉर्थ वेस्ट के जोन से आते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जोन अगर असंतुलित है साउथ वेस्ट के साथ में तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अपने पार्टनर्स के साथ में इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने में परेशानी आती होगी, दुविधा आती होगी, पीड़ा आती होगी। अगर कस्टमर के साथ में या क्लाइंट के साथ में आपके संबंध ठीक नहीं है तो आप मान के चलिए कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ का जोन असंतुलित है, इम्बैलेंस है। और हीलर्स और डॉक्टर्स के साथ में संबंध अगर ठीक नहीं है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जोन इम्बैलेंस है।